तो जैसे कि यार तुम सभी को यहाँ पे पता है BGS का इन गेम क्वालिफायर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ना। अभी बारी यार रिजल्ट डेट का, तो बहुत सारे प्लेयर लोगों का कन्फ्यूज़न ये हो रहा है हमारा रिजल्ट डेट यहाँ पे क्या होने वाला है, कितने का एवरेज में हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं BGS इन गेम क्वालिफायर में, एंड हमारा जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो क्या यहाँ पे होने वाला है। एंड बहुत सारे प्लेयर लोगों का क्या हो रहा है, अभी भी यार 100% पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड कुछ लोगों का वेबसाइट के अंदर में जो डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा है। तो भाई इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो होप्स यार वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो यहाँ पे यार सबसे पहला प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है, डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन नहीं हो पा रहा है। तुम सभी को यहाँ पे पता होगा, तो तुम लोगों ने यार बहुत सारे प्लेयर लोगों ने क्या किया था, गलती से डैशबोर्ड को लॉग आउट कर लिया था, क्लियर डाटा कर लिया था। तो उसके कारण वो लोग जब भी यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर भाई अपना OTP डालने के लिए भाई अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, नहीं OTP आ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इससे भाई कोई भी इश्यूज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि इन गेम क्वालिफायर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, डैशबोर्ड खोल के कोई फ़ायदा नहीं है। डैशबोर्ड के अंदर में तुम्हारा कुछ भी भाई मैच का परफॉर्मेंस वगैरह रिजल्ट वगैरह डैशबोर्ड में शो नहीं होगा, तो डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं हो रहा, उससे 1% का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो वेबसाइट बस तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए था उसके लिए था, उसके बाद उस वेबसाइट का कोई अभी काम नहीं है। ठीक है, फिलहाल ध्यान में रखना, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। एंड बहुत सारे प्लेयर लोगों का अभी भाई 100% पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, भाई 50% पेंडिंग प्रॉब्लम, 75% पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो वो लोग सोच रहे भाई हमारा तो पेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे? भाई 110% तुम लोग क्वालिफाई यहाँ पे करने वाले हो, पेंडिंग प्रॉब्लम से कोई भी इश्यूज नहीं है वेबसाइट के अंदर में। उसके साथ में जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के अंदर में, यहाँ पे यार बहुत सारे प्लेयर लोगों का डाउट हो रहा है, हमारा जो स्टैंडिंग वगैरह होता है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हमारा जो मैच का शेड्यूल होता है, रैंक होता है, वो वेबसाइट के अंदर अभी फिलहाल के लिए शो नहीं हो रहा है, एम्प्टी है यहाँ पे। तो ये वाला चीज़ तुम लोग जो स्क्रीन पे देख सकते हो ना, ये तुम जब क्वालिफाई हो जाओगे, राउंड 1 राउंड 2 खेलोगे, तब यहाँ पे इस डैशबोर्ड के अंदर में तुम्हारा स्टैंडिंग, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा रैंक वगैरह यहाँ पे शो होगा। तो इन गेम क्वालिफायर से इस शेड्यूल एंड स्टैंडिंग का कुछ भी लेना देना नहीं था, तो इसे देख करके टाइम पास मत ही करना। ठीक है, तुम लोग अभी तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का बात करते हम लोग, इन रिजल्ट डेट हम लोगों का क्या होने वाला, उसके साथ में एवरेज क्या लेकर के हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते। ठीक है, तो कुछ प्लेयर लोगों ने यहाँ पे भाई मिस्टेक्स वगैरह किया था, बहुत सारा रूल गाइडलाइन नहीं पढ़ा था, तो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था रूल एंड जो रूल बुक में गाइडलाइन वगैरह होते हैं, अगर तुमने उससे भी कोई भी अगर मिस्टेक वगैरह नहीं किया तो तुम्हारा टीम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी मिस्टेक किया होगा ना भाई, ध्यान रखना तुम्हारा टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एंड कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा किस चीज़ के लिए तुम्हारा टीम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना तुमने कोई भी रूल वगैरह ब्रेक ना किया हो। एंड अभी हम लोग बात करते हैं मिनिमम यहाँ पे कितना चिकन डिनर चाहिए था, मिनिमम लोगों को कितना किल चाहिए था जिससे हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो पाए। तो मिनिमम कट ऑफ जो होता है वो मैं एक्सपेक्ट करके तुम लोगों को बता रहा हूँ। बहुत लोगों ने यहाँ पे ये मिस्टेक किया, हैकर्स वगैरह उनके लॉबी में आ गए थे, उनका भाई बहुत सारे प्लेयर लोगों का भाई 8 चिकन डिनर निकला, किसी टीम का 9 चिकन डिनर निकला, यानी कि 10 चिकन डिनर यहाँ पे नहीं निकल पाया। एंड एवरेज के लिए भाई ठीक ठाक ही था, मेंटेन कर लिया, क्या उससे तुम लोग क्वालिफाई हो पाओगे? एंड बहुत सारे टीम ने भाई 13 चिकन डिनर निकाला, यहाँ पे 15-12 चिकन डिनर ऐसा करके निकाला उन्होंने, यानी कि 10 चिकन डिनर से ज़्यादा किया, बट उनका जो टीम का एवरेज है वो यहाँ पे कम है, तब उनका साथ में क्या हो सकता है? तो वीडियो को अभी यहाँ से यार ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे यार अपने स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोगों ने भाई अपना यहाँ पे 10 चिकन निकाल लिया है, उसके साथ में तुम्हारा टीम का एवरेज भाई 40 के ऊपर गया है, तो तुम लोग भाई 100% यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे, कोई भी अगर मिस्टेक वगैरह नहीं करते हो तो। एंड उसी के साथ में अगर 10 चिकन के साथ में 38 का एवरेज है भाई, 85% चांसेस है, इसमें भी तुम लोग ईजी क्वालिफाई हो पाओगे। एंड 35% का अगर एवरेज लेकर के 10 चिकन डिनर है तो भाई अप्रोक्स भाई 75% है भाई, इसमें थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा। एंड वहीं पर भी भाई 30 का एवरेज तुम लोग लेकर के चल रहे हो भाई, तो भाई थोड़ा बहुत बोल पाऊंगा 50-50 का चांसेस रहेगा मेरे ख्याल से तुम लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे। एंड वहीं पे बात करते भाई, अगर तुम्हारा यहाँ पे टीम का भाई एवरेज के लिए यहाँ पे भाई लगभग अच्छा खासा है, यहाँ पे 35-38-40 का भी एवरेज पकड़ लो अच्छा खासा है, बट चिकन डिनर तुम्हारे यहाँ पे भाई 8 निकला है, 9 निकला है, 7 निकला है, यानी कि 10 चिकन डिनर से नीचे है, तब यहाँ पे क्या हो पाएगा? तब यहाँ पे तुम्हारा जो मिनिमम कट ऑफ होता है ना भाई, उसके अंदर में अगर तुम लोग बैठते हो, यानी कि तुम्हारा मिनिमम कट ऑफ के अंदर भाई लक होता है, वहाँ पे अगर तुम्हारा टीम आ जाता है भाई तुम लोग इजी क्वालिफाई हो पाओ, बट यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि तुम लोग कितने चिकन डिनर पे क्वालिफाई हो सकते हो, बट ये 10 चिकन डिनर भाई कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे खेलने वाले, उसमें से भाई कुछ ही टीम यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि तुम सभी को पता है यार काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, सब ने भाई अपना बेस्ट दिया है यहाँ पर। वहीं पर भाई छोटा सा चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारे यहाँ पे 9 चिकन डिनर है
एंड 38 या फिर 40 का एवरेज है 9 चिकन डिनर पर, तब भाई चांसेस रहेगा तुम लोग क्वालिफाई हो पाओगे। एंड वहीं पर अगर तुम्हारा भाई एवरेज स्किल अच्छा खासा है 8 या फिर 7 चिकन डिनर निकला है, तब भाई बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मे भी शायद क्वालिफाई ना हो पाओ, क्योंकि 80-90% चांसेस वही रहता है। एंड जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो किसी को भी यहाँ पे पता नहीं होता, मैचेस में मिनिमम कट ऑफ कितना होता है वो लक के ऊपर में डिपेंड करते हैं। तुम लोगों ने मैचेस खेले अब यहाँ पे लक के ऊपर में डिपेंड होगा, अगर तुम्हारा मैचेस खराब गया कट ऑफ खराब गया तो वो लक के ऊपर डिपेंड रहेगा तुम्हारा टीम यहाँ पे क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। एंड यहाँ पे जब रिजल्ट डेट, अभी मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट डेट क्या होने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट डेट अप्रोक्स भाई तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल के एंड तक तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा मई का जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। BGMI का जो ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट वगैरह है तुम्हें मेल भी आ जाएगा, नहीं तो भाई यूट्यूब पे भी पता चल जाएगा, या फिर मैं भी वीडियोज़ डाल दूंगा। तो भाई अप्रोक्स जो एक्सपेक्ट टाइम है यहाँ पे अप्रैल एंड से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर मई का फर्स्ट वीक में तो आना भाई श्योर है यहाँ पे जो इन गेम क्वालिफायर का रिजल्ट है। एंड लास्ट टाइम हम लोग का जो पिछला बार BGS हुआ था उस टाइम हम लोग को कब रिजल्ट देखने को मिला था, उस दिन अप्रोक्स भाई 7 से 9 दिन के बीच में रिजल्ट देखने को मिल गया। तो इस बार भी मे बी शायद सेम होने वाला होगा रिजल्ट डेट। तो इस वीडियो में मैंने तुम लोग को इन्फॉर्म कर लिया BGS को जो मिनिमम यहाँ पे कितने में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, कितना का एवरेज होना चाहिए, एंड उसके साथ में रिजल्ट डेट क्या होने वाला है वो अभी तक श्योर नहीं है यहाँ पे, बट जल्दी यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड तुम लोग भाई कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर से अपना एवरेज ज़रूर से कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर लोग को पता है भाई उनका एवरेज देखना होता है। तो मेरे जितने भी ऑडियंस अभी इन गेम क्वालिफायर खेल चुके हैं, एक बार भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ एंड तुम्हारा जो एवरेज स्किल्स वगैरह था एंड चिकन डिनर 10 में से कितना निकल रहा है वो एक बार कमेंट से ज़रूर करके एक दूसरे के टैग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके साथ में कुछ और क्वेश्चंस वगैरह हुए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी DM कर सकते हो। एंड उसके साथ में भाई तुम लोग यहाँ पे पता है भाई राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग अगर क्वालिफाई करते हो उसके बाद में राउंड 1 यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसके लिए अगर तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह करना है यहाँ पे कस्टम मैचेस वगैरह खेलना है तो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे कस्टम रूम्स वगैरह स्क्रिम मैचेस होता रहता है, चाहे तो तुम लोग ज्वाइन करके वहाँ पे पार्टिसिपेट करके एंड अपने टीम के साथ में प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तुम लोगों के पास में भाई अप्रोक्स भाई 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारा रिजल्ट डेट से पहले, उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद, तो चाहे तो तुम लोग अभी प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर लो। एंड भाई कहीं पर भी भाई कस्टम मैचेस हो, फ्री हो पेड हो, मायने नहीं रखते, तो अपने टीम के साथ में भाई सर्वाइवल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन जितना हो सके उतना इंप्रूव करने का ट्राई करो।